हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। क्या आपको पता है एक साइकिल पंप और रेफ्रिजरेटर सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और इसे मजाक समझने की गलती मत करना क्योंकि इसके ऊपर इंजीनियरिंग में पूरी किताब छपी हुई है। और वीडियो को पूरा देखने से पहले इतना सीरियस भी मत ले लेना कि एसी कूलर के बजाय साइकिल पंप खरीद के ले आओ। साइकिल पंप से हवा भरने के दौरान पिस्टन को नीचे दबाने पर गैस के मॉलिक्यूल पास आकर सिलेंडर की सतह को गर्म कर देते हैं। अब यहां पैदा होते हैं दो जबरदस्त सवाल। पहला, प्रूफ क्या है कि गैस मॉलिक्यूल पास आने पर गर्म होते हैं? और दूसरा, एक बार को मान भी लें कि वो गर्म हो रहे हैं, पर काहे वो इतनी गर्मी खा रहे हैं? चिल पिल गटक के ठंडा काहे नहीं हो जाते? तो भाई साहब, अगर देसी स्टाइल में हीट को चेक करना है तो पंप को छूकर देख लो, और अगर इंजीनियरिंग स्टाइल में चेक करना है तो पंप से एक थर्मामीटर और प्रेशर गेज को जोड़ दो। जैसे ही पंप के पिस्टन को दबाया गया तो पंप के अंदर प्रेशर और थर्मामीटर का टेम्परेचर दोनों बढ़ गए। अब इस बात का क्या मतलब निकला? इस बात का ये मतलब निकला कि एक फिक्स वॉल्यूम में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बोले तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर प्रेशर घटा तो टेम्परेचर भी साथ साथ घटेगा। अरे वाह वाह वाह, मुबारक हो, आपने विज्ञान का नया नियम खोज निकाला। अगर यही सोच रहे हो तो जनाब रुक जाओ वहीं पर, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये नियम तो गे लुसेक के नाम से पहले ही मौजूद है, पर चिंता मत करो, ये नहीं मिला तो कुछ और खोज निकालेंगे। तो कमर कसकर हो जाओ तैयार, क्योंकि आज रेफ्रिजरेशन के अंजड़ पंजड़ खुलने वाले हैं। तो गे लुसेक लॉ ने हमें ये बताया कि एक फिक्स वॉल्यूम में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक दूसरे पर निर्भर करेंगे, यानी एक बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर आप इस बात पे ध्यान दो तो इसी कारण की वजह से गर्मी में गाड़ी के टायर्स के प्रेशर को कम रखा जाता है, या टायर्स में नाइट्रोजन भी डाल सकते हैं, क्योंकि सड़क पर रगड़ते हुए टायर्स के अंदर भरी हुई साधारण सी हवा गर्म होकर टायर के फटने का कारण बन सकती है। अब एंट्री होती है सबसे खतरनाक सवाल की, ये गैस मॉलिक्यूल गर्म ही क्यों हुए, ठंडे काहे नहीं हो गए? देखो, जब हम किसी सिस्टम पर काम करते हैं तो उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, और हमारे साइकिल पंप वाले एग्जांपल में हमारा सिस्टम था पंप, और जो काम हमने किया था वो था पिस्टन की मदद से हवा के मॉलिक्यूल्स पे दबाव डालकर उन्हें पास ले आना। अब क्योंकि हमने एक काम किया था तो एनर्जी तो बढ़नी थी, और यही बढ़ी हुई एनर्जी गर्मी के रूप में सिलेंडर की दीवारों से बाहर आने लगी। अब आप पूछोगे मेरे से एक सवाल कि सर, अगर प्रेशर बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है तो क्या हो अगर हम इसी काम को उल्टा कर दें, मतलब प्रेशर बढ़ाने के बजाय उसको घटा दें, तो सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाना चाहिए ना? तो क्या ऐसी स्थिति में सिलेंडर गर्मी देने के बजाय आसपास के वातावरण से गर्मी को खींच लेगा? भाई साहब मुबारक हो, यही तो है रेफ्रिजरेशन। आपने वो कर दिखाया जो तीन महान वैज्ञानिकों ने आज से लगभग 200 साल पहले किया था। यही था वो सेम ख्याल जो उनके दिमाग में आया था। ऐसे ही तो सोचते हैं वैज्ञानिक। आप भी किसी वैज्ञानिक से कम नहीं हो, बस इमेजिनेशन होनी चाहिए। ऐसे ही फिजिक्स के फूफा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये नहीं कहा था कि ट्रू साइंस ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन? तो क्योंकि आपके क्रांतिकारी दिमाग में ये ख्याल आ चुका है, तो अब बारी है प्रैक्टिकल करने की। तो असल में रेफ्रिजरेशन क्या चीज है? तो रेफ्रिजरेशन का अर्थ है ऐसी जगह से हीट लेना जहां उसकी जरूरत ना हो, और ऐसी जगह पर छोड़ देना जहां छोड़ने से हमारे काम पर कोई फर्क ना पड़े। जेम्स प्रेस्कॉट जूल, लॉर्ड केल्विन और कार्ल वॉन लिंडा, इन तीनों वैज्ञानिकों के दिमाग में बिल्कुल यही ख्याल आया था जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपके दिमाग में भी घूम रहा था कि अगर प्रेशर घटा दे तो टेम्परेचर कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो वो हीट देने के बजाय निकाल भी सकता है। तो बस अब जरूरत थी एक ऐसी मशीन बनाने की जो ये काम कर सके, और ये काम सबसे पहले कर दिखाया कार्ल वॉन लिंडा ने, जो एक थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे। बोले तो इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। भाई साहब, किताबें चाट मारने से और A4 साइज की डिग्री लेने से इंजीनियरिंग नहीं होती। सही मायनों में इंजीनियरिंग को कंप्लीट तब माना जाता है जब आप उस ज्ञान के आधार पर या तो कुछ नया बना दें या फिर बनी बनाई चीजों में सुधार कर दें। चलो अब बाकी दोनों वैज्ञानिकों के बारे में भी जान लेते हैं। जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इनके नाम पर एनर्जी की ऐसा यूनिट यानी जूल रखी गई थी, और विलियम थॉमसन यानी लॉर्ड केल्विन, इनके नाम पर टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन रखी गई थी। अब इन दोनों की जीवन कुंडली पर फिर कभी बात करेंगे। वापस चलते हैं कार्ल वॉन लिंडा की खोज पर, यानी अपने रेफ्रिजरेटर पर। तो लिंडा ने अपना रेफ्रिजरेटर मॉडल बनाकर तैयार कर लिया, जिसकी खबर उड़ते उड़ते बियर बनाने वाली कंपनियों के कानों तक पहुंच गई, और कंपनी दौड़ी दौड़ी लिंडा के पास आई और बोली, भाई साहब अपने को जरूरत है एक रेफ्रिजरेटर की, बना दो हमारे लिए, पैसे मिलेंगे भर भर के। और अपना वैज्ञानिक तैयार हो गया। भाई साहब पैसे का मामला था, आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है। अब जानते हैं कि अगर आप कार्ल वॉन लिंडा की जगह पर होते तो रेफ्रिजरेटर का निर्माण कैसे करते। ये है अपने रेफ्रिजरेटर का डब्बा। अब अपने को इस डब्बे के अंदर से हीट लेनी है और बाहर ले जाकर छोड़नी है, और इस हीट लेने के जुगाड़ को हम कहेंगे इवेपोरेटर, और जो बाहर ले जाकर छोड़ेगा उसे कहेंगे कंडेंसर। अब चलो इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब हमें चाहिए एक
रेफ्रिजरेंट गैस जो कंडेंसर और इवेपोरेटर की नलियों में घूमती हुई हीट लेने देने के काम को कर सके। तो कौन सी गैस भरें? कोई भी एरी गैरी गैस को भर के तो अपना काम ना होने वाला। तो अपने को चाहिए एक ऐसी गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज है? क्रिटिकल टेम्परेचर बोले तो वो ज्यादा से ज्यादा तापमान जिस पर किसी गैस को लिक्विड में बदला जा सके। अपनी रेफ्रिजरेंट गैस में दूसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो ओजोन लेयर को नुकसान ना करती हो, ग्लोबल वार्मिंग भी ना करती हो और जहरीली भी नहीं होनी चाहिए कि अगर गलती से लीक हुई तो ऐसी स्थिति में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लो जी, हमने एक सर्वगुण संपन्न गैस को रेफ्रिजरेटर में भर दिया। अब गैस तो भर दी, लेकिन इसको घुमाएगा कौन? घुमाने के लिए भी तो कोई जुगाड़ होना चाहिए। तो ये काम करेगा एक कंप्रेसर। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, जब भी मैटर की कोई स्टेट किसी दूसरी स्टेट में बदलती है तो वहाँ पर हीट का लेन देन होगा ही होगा। जैसे लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाने के लिए हीट देनी पड़ती है, ठीक उसी तरह से गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आने के लिए हीट निकालनी पड़ती है। तो जी, सारे तामझाम इकट्ठे हो चुके हैं, चलो बनाते हैं रेफ्रिजरेटर। शुरू करते हैं रिसीवर से, जहां पर जरूरत से अधिक रेफ्रिजरेंट को स्टोर करके रखा जाता है। इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन में रिसीवर कूलिंग सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा होता है। अब रिसीवर के अंदर रेफ्रिजरेंट लिक्विड स्टेट में रहता है और हाई प्रेशर पे रहता है, और इसी हाई प्रेशर की वजह से वो ट्यूब में बढ़ते हुए एक्सपेंशन वाल्व की तरह बढ़ जाता है। अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है प्रेशर को घटाना, और अब ये हाई प्रेशर लिक्विड लो प्रेशर लिक्विड में बदल जाता है। अब जैसा कि आप जानते हो कि अगर प्रेशर कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम होगा, तो इस लिक्विड का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये घूमता हुआ रेफ्रिजरेंट लिक्विड अपने आसपास रखी हुई चीजों में से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये हीट इसे वेपर में बदल देती है। अब इस सारे जुगाड़ में एंट्री होती है कंप्रेसर की। ये कंप्रेसर जैसे ही पिस्टन को नीचे करेगा तो इसमें मौजूद सक्शन वाल्व खुल जाएगा और ये गैस खाली जगह में भर जाएगी। अब जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा तो सक्शन वाल्व बंद होकर डिस्चार्ज वाल्व खुल जाएगा और खाली जगह में भरी हुई गैस पर पिस्टन बहुत ज्यादा प्रेशर लगाकर उसे बाहर की तरफ धकेल देगा। अब पिस्टन के कंप्रेशन की वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेशर अगर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब क्योंकि ट्यूब में घूमती हुई गैस का तापमान आसपास के वातावरण से ज्यादा था, तो ट्यूब के अंदर मौजूद गैस अपने अंदर मौजूद हीट एनर्जी को वातावरण में छोड़ देगी और फिर से बदल जाएगी लिक्विड में और पहुंच जाएगी रिसीवर तक, जहां ये साइकिल बार बार ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। एक बार दोबारा देखो, रिसीवर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व की तरफ जाता है, जहां पर प्रेशर कम होने की वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और क्योंकि उसका तापमान कम हो चुका है तो वो अपने आसपास की चीजों से हीट को सोख लेता है, और हीट सोखने के कारण वो गर्म होकर उबलना शुरू कर देता है। अब कंप्रेसर सक्शन स्ट्रोक में उस उबलती हुई गैस को खाली जगह में खींच लेता है, जहां पर कंप्रेसर उसे दोबारा कंप्रेस करके उसके तापमान को बढ़ाकर उसे रिसीवर की तरफ धकेल देता है, और रास्ते में ये रेफ्रिजरेंट अपने अंदर मौजूद हीट को आसपास के एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। अब यहां दिमाग में आता है एक सवाल कि मान लेते हैं कि इवेपोरेटर में घूमते हुए लिक्विड रेफ्रिजरेंट का तापमान -21 डिग्री सेल्सियस था, पर वो इतने कम तापमान पर उबलना शुरू कैसे करता है? इतने कम तापमान पर कोई चीज कैसे उबल सकती है? देखो, अलग अलग चीजों के उबलने का तापमान यानी बॉइलिंग टेम्परेचर अलग होता है। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, वैसे ही R12 रेफ्रिजरेंट -21 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देता है। इसमें कोई भी मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये तो किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। लो जी, ये थी रेफ्रिजरेशन से जुड़ी हुई इंजीनियरिंग के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।